जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। और आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं उदयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक चेतक एक्सप्रेस में। ये एक कमाल की ट्रेन है जो कि मीटर गेज के ज़माने से इस रूट पे चल रही है। और रूट भी थोड़ा अनोखा है। ट्रेन अजमेर के बाद फुलेरा से जयपुर नहीं जाती है, फुलेरा से रिंगस होते हुए फिर रेवाड़ी जाती है। वैसे ये सभी चीज़ें रात में पड़ेंगी, लेकिन मेन चीज़ इस ट्रेन का हम लोग रिव्यू करेंगे, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या दिक्कतें इस जर्नी के दौरान आपको आ सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग उदयपुर आ रहे हो तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे होटल आर्डेंसी इन में ही आकर के रुकना। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद 2-3 बार यहाँ पे आ चुका हूँ, वहीं रुका हूँ। और इस बार भी मैं आया था तो सर्विसेज बहुत ही कमाल की थी, रूम बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। और अगर बात की जाए फैसिलिटीज़ की तो खाना पीना आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा, होटल में स्विमिंग पूल वगैरह भी है और स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर है। क्योंकि मोस्टली लोग जब यहाँ से वापसी करते हैं तो जयपुर इंटरसिटी लेते हैं जो कि सुबह 6 बजे चलती है, या शाम की मेवाड़ और अपनी ये चेतक एक्सप्रेस से लोग यहाँ से वापसी करते हैं। ऐसे में स्टेशन के पास होटल होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप घूमने फिरने के लिए इनकी रेंटेड स्कूटी वगैरह को भी एक्सेस कर सकते हो। सुविधाएँ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसे इस होटल को आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छा लगा होटल, अगर आप लोग उदयपुर आ रहे हो विजिट करना, ट्राई करना, फिर बताना अगर आपको कोई शिकायत हो तो। बाकी फिलहाल देख लो आप लोग उदयपुर रेलवे स्टेशन कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ अपने पीछे खड़ी है चेतक एक्सप्रेस। पे मल्हार भाई है जो पहली बार उदयपुर आए हैं, और कैसा लगा भाई? बहुत ही मजा आया। जो खाना मिला मानसून में आना भाई, एक बार मानसून में तो आएंगे, और जहाँ रुके थे ना वो उसका खाना भी उनको बहुत पसंद आया। ऑनेस्टली बहुत मजा आया। और फतेह सागर का, अरे वो तो जन्नत से कम नहीं था। फतेह सागर की चौपाटी में भी खाया अपने, होटल में भी खाया, तो बहुत सारी चीजें रिव्यू की आपको सत्यम सफर पे। एक और ब्लॉग मिल जाएगा डिटेल जो मैंने कवर किया उदयपुर सिटी को लेकर के। बाकी मेन मकसद था इनको घुमाना, वो हमने घुमा दिया। बाकी ट्रेन यहाँ से हमारी 5 बजे खुलेगी, बस 10 मिनट बचे तो पानी वगैरह चलो कुछ कलेक्ट कर लिया जाए, बस ले लेते हैं। हाँ भाई, नहीं शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको खास चीज़ बता दूँ कि आज हमारा कोच जो है वो एसी फर्स्ट कम एसी टू टीयर का है, मतलब आधा कोच एसी फर्स्ट का और आधा एसी टू टीयर का है। तो भाई आज इसी में जर्नी होने वाली है। इंटीरियर में तो आपको दिखाएंगे, अभी बहुत समय है, बस कुछ समय में डिपार्चर होगा 5 बजे, वो पहले आपको दिखा दें कि चेतक एक्सप्रेस अभी अपने ICF कोचेस की, तो देख लो यार काफ़ी कमाल का फर्स्ट एसी का इंटीरियर है। मतलब इसमें कराना है चेतक फर्स्ट एसी में, मुझे ICF के फर्स्ट एसी का इंटीरियर काफ़ी पसंद है। कैसा लगा मतलब? साफ सुथरी भी लग रही है, उधर पेंटिंग वगैरह भी है। आधा कुछ फर्स्ट एसी का, आधा अपना टू टीयर का है, और इसमें कुछ खाली दिखा नहीं रहा था तो हमने रिस्क लिया नहीं लास्ट मिनट में। बिल्कुल राइट टाइम जो अपनी गाड़ी निकल चुकी है उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से। अगर इस तरफ आप जाओगे ना तो आप अहमदाबाद वाला जो रूट है, असरवा वाला रूट है, उसमें बढ़ पाओगे। और स्ट्रेट जिसमें हम जा रहे हैं वही जा रहा है अभी मावली होते हुए चित्तौड़गढ़ की ओर। जैसे इंदौर का रेलवे स्टेशन साफ सुथरा होता है, वैसे उदयपुर का भी आप देख लो बिल्कुल साफ सुथरा है। और ये एक स्टेशन एक उत्पाद वाला जो स्कीम है यहाँ भी देखने को मिलेगा आपको बढ़िया से। काफ़ी बढ़िया जगह, मतलब अगर आप लोग आना चाहते हो तो यहाँ विजिट ज़रूर कर सकते हो। देखो असरवा इंटरसिटी अभी भी लिखी हुई है यहाँ पे, शाम 5 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी, मतलब वो उल्टे डायरेक्शन में खुली होगी आज। तक एक्सप्रेस मीटर गेज के ज़माने से एक स्पेशल ट्रेन रही है, इसलिए हमेशा से इसमें ट्रैवल करना चाहता था, पर मौका जो है वो आज ही मिल पा रहा है इसमें ट्रैवल करने का। और अच्छी बात यह है कि साथ में दोस्त लोग भी हैं तो और मज़ा आएगा इस जर्नी में। पे आप लोग देख लो करनी माता रोप वे भी है वहाँ पे, हम लोग कई बार वहाँ माता के मंदिर भी गए हुए हैं, मज़ा आता है वहाँ पे शाम में। अगर आप कई बार हम लोग वहाँ पे गए भी हुए हैं, मज़ा आता है सनसेट के टाइम पे वहाँ जाने पे। अगर आप लोग आ रहे हो सिटी में तो विजिट कर सकते हो, और शाम के समय मज़ा बहुत आएगा आपको, सनसेट वहाँ से बहुत ही कमाल के देखने को मिलती है आपको उदयपुर की। Thank you.
नई बनी हुई बड़ी सादड़ी वाली लाइन भी देखो आप लोग यहाँ पे आके हमसे मिल रही है। सनसेट बहुत ही खूबसूरत हो रही है। यहाँ पे हम लोग अभी मावली जंक्शन पहुँच रहे हैं। तो ये कुछ यादें हैं मीटर गेज के ज़माने की, जब ट्रेन मीटर गेज के कोचेज के साथ चला करती थी। इवन चेतक एक्सप्रेस भी मीटर गेज की ही हुआ करती थी जब इसे 1869 में खोला गया था। सनसेट देखो क्या खूबसूरत सा हो रहा है, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं यार। इतना खूबसूरत सनसेट बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। जंक्शन क्यों कहते हैं तो आप समझ गए होंगे, एक बड़ी सादड़ी वाली लाइन हो गई, नाथद्वार के लिए यहाँ से लाइन जाती है, साथ साथ ये मीटर गेज ट्रेन मारवाड़ की ओर आपको लेकर जाएगी। आपने बहुत बार मेरे साथ इस ट्रेन में जर्नी देखी होगी, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली मीटर गेज ट्रेन, तो मैंने इसमें बहुत बार सफ़र भी किया है। हम लोग बढ़ जाएंगे अभी चित्तौड़गढ़ वाली लाइन पर, जहाँ पर हमारे ट्रेन का रिवर्सल भी होगा और WP5 फिर हमारे पास होगा। हमारे ट्रेन में हाई राइज पेंटोग्राफ वाला WP5 लगा है और डिपार्चर सिग्नल भी हो चुका है। चला जाए देखते हैं डिपार्चर। काफ़ी खूबसूरत सी सनसेट अभी आपको देखने को मिलेगी। मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग यहाँ से निकल भी चुके हैं। और सामने आप यहाँ पे देख लो, एक जो लेफ्ट मोस्ट ट्रैक है वो मीटर गेज का है और बीच में जो अलग से आपको ब्रॉड गेज के ट्रैक जाते हुए दिख रहे होंगे, ये निकल जा रहे हैं नाथद्वार रेलवे स्टेशन की ओर। नाथद्वार तक मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज दोनों ही ट्रेनें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर फाइनली अपनी ट्रेन फतेहनगर भी पहुँच चुकी है और शाम भी ढल चुकी है। बहुत सारे लोग इस ट्रेन में यात्रा करते हैं क्योंकि एक डेली ट्रेन है इस रूट की, तो हर स्टेशन में आपको यात्री तो मिल ही जाएंगे। फाइनली यहाँ पे अपनी ट्रेन जा करके पहुँची है चित्तौड़गढ़ जंक्शन और टाइम देख लो आप लोग 7 बज रहे हैं। लगभग आधे घंटे लगभग यहाँ पर ट्रेन को रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लोकोमोटिव जो रिवर्स किया जाएगा। भाई देख लो यहाँ पे अपनी चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस जो है वो पहुँच चुकी है और स्टेशन में आपको खाने पीने की तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम लोग पहले भी बहुत बार यहाँ पे आए हैं। चित्तौड़गढ़ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से रतलाम वाली जो लाइन है वो जाती है मंदसौर होते हुए और बाकी जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वो भिलवाड़ा अजमेर वाली लाइन है और अभी हम लोग आ रहे हैं उदयपुर वाली लाइन से। स्टेशन में देखो समोसे पोहे ब्रेड पकौड़े सब कुछ आपको मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ का खाना रिकमेंड नहीं करूँगा। पोहा तो फिर भी आप खा लो, बाकी चीज़ें ओवर ऑयली वगैरह होती हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। बाहर से भी आपको रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ। मीटर गेज का एक लोकोमोटिव बाहर रखा हुआ है और राणा प्रताप जी के घोड़ा जिसका नाम चेतक था उसी की याद में इस ट्रेन का नाम भी चेतक एक्सप्रेस रखा गया है, तो उनकी भी प्रतिमा वगैरह है। इसके पीछे चित्तौड़गढ़ का फोर्ट भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। चलते पहले बाहर स्टेशन के। IRCTC का रिफ्रेशमेंट रूम भी है, मतलब ये बात अच्छी है कम से कम यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत गारंटी है कि अच्छा खाना जो है वो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा है वो लगाई गई है। स्टेशन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, वहाँ मीटर गेज का लोकोमोटिव भी है। मेवाड़ शौर और चेतक का मतलब इसमें भी सिंबल बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जंक्शन, ये देखो यार स्टेशन काफ़ी बढ़िया है और खाने पीने की चीज़ें भी आपको स्टेशन से बाहर निकलते ही मिल जाएंगी। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ हम लोग कब आए थे और कब निकल रहे हैं देखो, बस 15 मिनट में ही लोको रिवर्सल हो गया। एक WP7 जो यहाँ पर तैयार रखा गया था वो तुरंत लगा के गाड़ी को निकाल दिया और मैं तो खैर बाहर भी घूम के आ गया। और यहाँ पे सामने खड़ी है रामेश्वरम से आने वाली अजमेर की ओर जाने वाली हम सफ़र एक्सप्रेस। क्या बात है यार, चित्तौड़गढ़ पूरा कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफाई हो चुका है। बहुत सारी ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चल रही हैं, यहाँ पे लिमिटेड ट्रेन ही बची हैं जो डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती हैं। और हमने तो यहाँ पे मतलब कम्प्लीट डीजल रूट में भी ट्रैवल किया है जब एक भी पोल नहीं होता था।
और आज यहाँ पे WG9, WG12 सब कुछ है। मलार भाई चित्तौड़गढ़ का फूड रिव्यू करते हुए बहुत बढ़िया, और यहाँ मैं बाहर से पोहे लाया था वो भी खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। दरवाजे में ही शुरू हो गए मतलब वो है बहुत बढ़िया, मेरे से रोका नहीं जा रहा था इतने मस्त वो है। और श्रेयान भाई का भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ था तो स्लीपर से आए हैं आज। और चेन पुलिंग गाड़ी आधी प्लेटफॉर्म में है आधी बाहर, और यहाँ चेन पुलिंग हो गई है। अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन, जहां पे हम लोगों ने डिनर जो अपना ऑर्डर किया था वो आ गया होगा। IRCTC के फूड ऑन ट्रैक से हमने ऑर्डर किया था डिनर, अपने मार्बल्स के लिए फेमस है, साथ साथ जैन मंदिर के लिए भी भिलवाड़ा काफ़ी फेमस है, बहुत सारे लोग यहां पे आते हैं। और स्टेशन देख लो कितना साफ सुथरा और लाइटिंग वगैरह काफ़ी प्रॉपर है, और भीड़ भी अच्छी खासी है। अपनी चेतक ट्रेन नंबर 20474 आज की अभी भिलवाड़ा में से अपने ऑर्डर आ चुका है। मल्लार भाई के चेहरे में फिर से मुस्कान आ गई खाना है तो मुस्कान आ जाती है भाई बाकी भिलवाड़ा में हम लोगों ने डिनर जो अपना कलेक्ट किया है, मैंने अपने लिए इडली सांभर मंगाया और मल्लार भाई के लिए क्या था, सैंडविच पराठा, सैंडविच एंड एक आलू पराठा। इसका रिव्यू भी हम करेंगे सीट में जाके। बाकी भिलवाड़ा में ट्रेन ज़्यादा देर रुकती नहीं, पर आज अच्छा खासा रुक गई, पता नहीं क्यों क्या बात है। बिफोर टाइम तो खैर नहीं आई है, क्रॉसिंग ही हो सकता है। इसके बाद जो बड़ा स्टेशन अगर हम बात करें तो अपना अजमेर जंक्शन ही होने वाला है। और यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल समय से निकल चुकी है, फिर भी चढ़ने वालों को यार फुर्सत नहीं, अभी भी चढ़ रहे हैं लास्ट मोमेंट पे। और स्टेशन में कचौड़ी समोसा वैसे सभी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं है भाई आज, सच में ठंड का कोई सीन नहीं आज। रिलैक्स होकर आप घूम सकते हो पूरा भिलवाड़ा वगैरह, बढ़िया एकदम मौसम हो रखा है। और इसके बाद अब डिनर का जो रिव्यू करना ही है वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी आपको चेतक में जर्नी कैसी लग रही है वो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा ज़रूर। यहाँ पे देख लो भाई सैंडविच वगैरह जो है वो आई हुई है, साथ में सांभर इडली चटनी और आलू के पराठे जो मल्लार भाई ने ऑर्डर किए थे। स्पेशली मल्लार भाई के डिमांड का जो है डिनर है, जल्दी जल्दी से खाओ यार, बताओ कैसा है। हम लोग अपर बर्थ में आ गए क्योंकि और कोई नीचे उपाय नहीं था अपने पास। सैंडविच का पूरी महक आ रही है, मतलब तो वाकई में यार मैंने एक बाइट ली और काफी बढ़िया लगी मेरे को। ट्राई बढ़िया है, नंबर चीज है, मेयोनीज है, सब कुछ पड़ा हुआ है, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं भाई देख लो, इडली सॉफ्ट तो है, स्वाद देख ले कैसा है। चीज़ें स्वादिष्ट तो हैं, पर हाँ उस सबसे महंगी भी हैं। 100 रुपए की दो इडली, 165 की आपको पड़ेगी सैंडविच, और पराठे 80 के। क्यों मल्लार भाई? अच्छा है, मेरे को सैंडविच सबसे बेस्ट लगा। स्वाद वाद हर चीज़ का अच्छा है, पर थोड़ा महंगा पड़ेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी ओवरऑल रिकमेंडेड है। ये देख लो आप लोग हाई राइज वाला पेंटोग्राफ, मतलब यहाँ के OHE अजमेर के आगे जाके काफ़ी हाइट पे हो जाते हैं, तो ये काफ़ी हाइट तक उठ सकता है पेंटोग्राफ। और मैं इंजन तक आ गया, मुझे लगा कि वो क्रॉसिंग होगी, बस होपफुली सिग्नल ग्रीन ना हो जाए, वरना अपने को जनरल में ही चढ़ना पड़ जाएगा।
आज काफी स्टंट वाली जर्नी हो गई, चित्तौड़गढ़ भी बाहर से देख लिया हमने, गर्म हवा फेंक रहा है एकदम इंजन। चलो कोई एक्सप्रेस लग रही है ये। अजमेर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस। अजमेर बांद्रा में हमने कुछ दिन पहले व्लॉग भी किया था। चलो अब चला जाए पीछे, जैसे गाड़ी क्रॉस होगी सिग्नल हो जाएगा ग्रीन। देख लो आप लोग बंधनवाड़ा रेलवे स्टेशन और यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए ट्रेनें हैं। चलो अपना डिपार्चर सिग्नल हो गया। तो देख लो यार कितना प्यारा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए हम लोग रुके हुए थे और मज़ा आ गया टहलने में, खा पी के टहलने का अच्छा मौका था। इडली वगैरह भी काफ़ी बढ़िया चढ़ी थी, सैंडविच में भी मज़ा आया। और आपको ये स्टेशन में अपना उतर के ट्रेन कैप्चर करना कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। देख लो मीटर गेज के ज़माने का बोर्ड, लो लेवल हाइट का, और यहाँ पे अपना अजमेर जंक्शन का मेन प्लेटफॉर्म। यहाँ अपनी ट्रेन फाइनली पहुँच चुकी है थोड़े डीले के साथ 10 मिनट के। वैसे फिर भी ट्रेन यहाँ पर राइट टाइम हो ही जाएगी क्योंकि अच्छा खासा हॉल टाइम ट्रेन को यहाँ पे दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम लोग पहुँच चुके हैं अजमेर जंक्शन के, 10:18 यानी 10:20 आप कह सकते हो अपनी ट्रेन जो अजमेर जंक्शन पर है। बहुत ही खूबसूरत सी घड़ी यहाँ पे लगी थी, हाँ ये देखिए आप लोग सामने। जब हम लोगों ने अजमेर दादर एक्सप्रेस में सफ़र किया था वाया अहमदाबाद, तब हमने इस स्टेशन को अच्छे से एक्सप्लोर किया था। एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर भी है यहाँ, आप देखिए एक मंदिर भी है खूबसूरत सा स्टेशन में, बीचों बीच वो भी प्लेटफॉर्म में। बहुत सारे लोग अजमेर आते हैं क्योंकि यहाँ से पुष्कर बहुत ही करीब है। अगर आप लोग को भी पुष्कर घूमना है, रेगिस्तान एक्सप्लोर करना है, ऊँट की सवारी करनी है, तो भाई बेस्ट जगह है ये। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर में है, बहुत ही बढ़िया जगह है। ब्रह्म कुंड में जाकर स्नान करिए और आपको सच में मज़ा आएगा। और जब आ रहे हो फैमिली के साथ आओ, 2-3 दिन रुको। बाकी अजमेर जंक्शन में हमारी ट्रेन अच्छा खासा रुकेगी मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्रू वगैरह चेंज होता है, ट्रेनों में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी की जाती है। हमारी ट्रेन में पानी, खाने, ये सभी चीज़ें ऑर्डर लेने वाले के जो सिस्टम है ना, वो साइड पेंट्री का था। पानी वगैरह भी आ रहा है पर उतना फ्रीक्वेंसी में नहीं आ रहा है, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी पानी वगैरह जहाँ आपको मिले आप खरीदते रहो। और अजमेर में हम भी खरीदने वाले हैं क्योंकि रात में आप पता नहीं अब किसी स्टेशन में हम लोग जग के ले ना ले। और बाकी जो इसके बाद अपना रूट होने वाला है वो होने वाला है फुलेरा होते हुए रिंगस के रास्ते, रेवाड़ी के रास्ते ट्रेन पहुँचेगी हमको सुबह सुबह दिल्ली सरायुल्ला 5 बजे। अभी हो रहे हैं 10:30, इस वक्त कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, अब सोया जाए क्योंकि इसके बाद जो हमें कल सुबह उठना है ना उसके लगभग 4-4:30 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में होने वाली है ठंड अच्छी खासी। बाकी अजमेर की एक और ख़ास बात यह है, यहाँ पे सोहन हलवा मिलता है राउंड कलर का, आप लोगों को मैंने पुराने वीडियोस में, पहले के वीडियोस में दिखाया है बहुत बार रिव्यू करके खरीद करके, तो अगर आप लोगों को याद है तो बताना ज़रूर। बाकी की वीडियो इधर हाँ 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 चलो भाई हमारे मिल गए हैं अजमेर में। क्या नाम है भाई आपका? राहुल। राहुल क्या दर्शन वर्शन के लिए आए थे क्या? नहीं नहीं मैं भिलवाड़ा रहता हूँ राजस्थान। अच्छा अच्छा, तो वापस जा रहे हो अभी? किस गाड़ी में? अभी तो अजमेर आया कुछ काम से। जी जी जी, चलो बहुत बढ़िया है भाई, मिल गया। खाना पानी हुआ कि नहीं? कुछ खाना पानी अब आप बाहर जाके कर लो। हाँ चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा मिल गया। कानपुर की, कानपुर के रहने वाले? हाँ मैं कानपुर का हूँ, और लेकिन ऑल इंडिया डालता हूँ वीडियोस, कवरेज करता हूँ। ठीक है थैंक यू भाई। हाँ चलो एक और चीज़ है, यहाँ से अहमदाबाद वाला रूट भी अलग होता है जो कि मारवाड़ के रास्ते जाता है, वो एक अलग कहानी है, वो छोड़ो। पुष्कर के लिए भी अलग ट्रैक गया, 15 किलोमीटर का रूट है, मदार जंक्शन से बायफर्केट होता है। और यहाँ हमारे श्रेयांत भाई आ गए, VIP गेस्ट एंट्री। कैसा है स्लीपर का हाल? स्लीपर बढ़िया है, यहाँ से पूरा पैक हो गया। भाई आप लोग एंजॉय करो डिपार्चर, सोते हैं कल सुबह दिल्ली मुलाकात करते हैं, गुड नाइट। मेरे डिपार्चर का सबसे खूबसूरत लम्हा लगता है जब ये ट्रेन यहाँ पे खूबसूरती से घूम कर निकलती है, मतलब इतना ही नहीं, सामने जो अपना लोकोमोटिव है वो भी वैसे ही घूम के निकलेगा।
और दिन के टाइम में तो आपको यहाँ पे पहाड़ भी देखने को मिलेंगे एग्जैक्ट स्टेशन के पीछे, तो अलग ही मंजर होता है भाई। आइए कभी अजमेर में और एक्सपीरियंस करिए इस चीज़ को। जब हम किसी ट्रेन में थे तो उसकी क्रॉसिंग हुई थी यहाँ पे, तो वो चेतक एक्सप्रेस से, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, वो रानी खेत थी या कौन सी गाड़ी थी। अब शायद देखिए ये गाड़ी देख के, क्रॉसिंग देख के शायद समझ में आए कि वो कौन सी गाड़ी थी, क्योंकि मुझे लग रहा है यही वो गाड़ी है। आश्रम एक्सप्रेस, परफेक्ट। उस दिन हम आश्रम एक्सप्रेस में ऑन बोर्ड थे, मैं और संदीप भाई, और चेतक से अजमेर के आउटर में ही क्रॉसिंग हुई थी। ये रहा अपना कोच दुरंतो लिवरी का फर्स्ट एसी, आज रेक भी वही है भाई, मजा आ गया। मतलब बहुत ही बढ़िया गाड़ी आश्रम एक्सप्रेस यार, इस रूट में राजधानी से ज्यादा लोग प्रेफर इस ट्रेन को करते हैं, इतनी प्रायोरिटी है इस गाड़ी की। तो ये है भाई हाई राइज पेंटो, और ये इंटरसिटी जो है ये आ रही है रेवाड़ी से फुलेरा वाली, और हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव आगे खड़ा है, उसमें भी कुछ ऐसी हाई राइज पेंटो है। और यहाँ पे देख लो रिंगस वाली जो लाइन है ना, वो यहाँ से अलग होती है। पीछे अगर आप जाओगे तो आप यहाँ से सांभर लेक वाली लाइन होते हुए बढ़ सकते हो जोधपुर वाली लाइन पे। हम लोग आ रहे हैं अजमेर वाली लाइन से। फुलेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का, और बहुत ही बड़ा मीटर गेज जंक्शन भी है। बढ़ने वाले हैं यहाँ से हम लोग रिंगस वाली लाइन पे, जयपुर वाली लाइन पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये देख लो अपनी ट्रेन का भी हाई राइज पेंटो, आप लोग देख लो। अब आगे तो नहीं जाएंगे क्योंकि डिपार्चर सिग्नल का जो टाइम है वो हो चुका है, जल्दी से कोच में चला जाए क्योंकि अपना कोच थोड़ा पीछे है। मैंने सोचा आपको ये दिखा दूँ इसलिए मैं थोड़ा आगे तक आया।
सामने जो यहाँ पे रूट निकल रहा है वो सीधा जयपुर की ओर जा रहा है, और हम लोग यहाँ पे रिंगस वाले रास्ते से रेवाड़ी की ओर बढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे रिंगस के लिए हमारी जो लाइन है जयपुर वाली लाइन से एकदम ही अलग हो जाती है। इसीलिए फुलेरा भी इम्पोर्टेंट जंक्शन है, जोधपुर वाली लाइन तो अलग होती ही है, साथ साथ ये लाइन्स भी यहाँ पे अलग होती हैं। फाइनली यहाँ आते आते 673 किलोमीटर्स की दूरी हम लोगों ने तय कर ली है। 5:05 का अराइवल टाइम था, थोड़ा 20 मिनट का डिले हो गया है, लेकिन अपनी ट्रेन जो है दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुँच चुकी है। काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ज़माने में कंप्लीट स्टेशन मीटर गेज का हुआ करता था। यहां से आपको अजमेर तक मीटर गेज की ट्रेन्स, सुपर फास्ट ट्रेन्स मिलती थी, जयपुर के लिए पिंक सिटी एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन्स मिलती थी। एंड इनफैक्ट एक समय ऐसा था कि रेवाड़ी जयपुर तक एक लाइन ब्रॉडगेज एंड एक लाइन मीटर गेज ऐसे जाया करती थी, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 2007 तक यहाँ पे मीटर गेज ट्रेन्स का आखिरी डिपार्चर यहाँ से हुआ है। तो अपना ये जो सफ़र है यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चेतक एक्सप्रेस भाई बड़ी पंक्चुअल गाड़ी है, इतनी फॉग है, ठंड है, लेकिन फिर भी गाड़ी यहाँ पे 20 मिनट के डिले के साथ पहुँच चुकी है दिल्ली सराय रोहिल्ला। मिलेंगे जल्दी ऐसी बहुत सारी जर्नी और ऐसी बहुत सारी ट्रेन्स को रिव्यू करते रहेंगे। आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।